हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शालिनी। तो आज का अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं टोटली वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करके बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सूज वाले कार्डबोर्ड्स यूज़ किए हैं। आप चाहें तो कोई सा भी कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। कार्डबोर्ड की एजेस को हाइड करने के लिए मैं पेपर्स को पतले पतले शेप में कट करके इसके कॉर्नर पर स्टिक करूँगी। आप चाहें तो मास्किंग टेप भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कम्प्लीटली कवर करने के बाद अब मैं इसे पेंट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक्रेलिक पेंट लिया है और स्काई ब्लू लिया है। आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने पिस्ता सेल्स लिए हैं, इनको मैं पेंट करूँगी वाइट एंड ग्रीन से। तो वाइट कलर से हमारा फ्लावर बनेगा एंड ग्रीन कलर से लीफ बनेगी। ये वाला राउंड शेप मैंने सुपर क्ले की हेल्प से बनाया था और वो वाली वीडियो क्लिप पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। अगर आपके पास सुपर क्ले नहीं है तो आप बटन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी राउंड शेप का स्टोन यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई बीड्स ले सकते हैं। अब सारे वाइट कलर के पिस्ता सेल को हम इसके किनारे किनारे स्टिक कर देंगे और हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें तीन फ्लावर बनाने हैं। अब फ्लावर तो बन गया, अब हम उसका तना बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक रफ पेपर यूज़ कर रही हूँ, इसको पतले सेक्शन में कट करके इसका ट्यूब बनाना है। तो हमें तीन ट्यूब चाहिए। एंड अब मैं इसे पेंट कर लूँगी ग्रीन कलर से। तो यहाँ पे मैं कुछ निशान बना रही हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा मैं क्यों कर रही हूँ। एंड जहाँ तक मैंने इसकी बॉर्डर रखी है उसके ऊपर ही हमें इसकी स्टीम बनानी है। आप जैसे चाहें वैसे शेप दे सकते हैं फ्लावर के तने को, ये ईजिली मुड़ जाता है। एंड जो निशान हमने नीचे बनाया था, अगर उसके नीचे हमारी स्टीम जा रही है तो हम उसे कट कर लेंगे। अब ग्रीन पिस्ता को स्टिक करके हम इसकी लीफ बनाएंगे। तो जहाँ जहाँ हमें जगह मिले, एडजस्ट हो जाए, हमें वहाँ पे स्टिक करना है। अब मैं ले रही हूँ कुछ गिट्टियाँ एंड कंकड़ पत्थर, आप जो भी कह लें इसे, हम इसके नीचे स्टिक करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाहें तो जो दिवाली के दिए होते हैं मिट्टी के, उनको फोड़ के एज अ कंकड़ पत्थर आप इसके नीचे स्टिक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गेहूँ भी स्टिक कर सकते हैं, या फिर आप कार्डबोर्ड भी स्टिक कर सकते हैं इसके नीचे टेढ़ा मेढ़ा कट करके। मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। अब हम इसे पेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं गोल्डन पेंट करूँगी, सिल्वर कलर से पेंट करूँगी, वाइट, ब्लैक एंड ग्रे कलर्स। आप इस वर्ल्ड डेकोर पीस को जैसे मन करे वैसे अपने घर में डेकोर कर सकते हैं।
आप चाहें तो इसके पीछे हैंगर बना के इसे हैंग कर सकते हैं, या फिर डबल साइडेड टेप की हेल्प से आप इसे वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा प्रोसेस एंड मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए। अब मैंने येलो एंड ग्रीन को मिक्स करके धानी रंग जो बनता है उससे मैं इसकी शेडिंग कर रही हूँ। एंड ऐसे मेरे तीनों वॉल डेकोर रेडी हैं। अगर आपको मेरा ये प्रोसेस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।